नए साल में आम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं आने वाली। दरअसल देश के लोगों का बजट जनवरी के महीने में बिगड़ सकता है और इसका कारण है गेहूं के दाम, जो जनवरी के महीने में 2,000 रुपये प्रति टन बढ़ सकते हैं। जी हां, रॉयटर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का गेहूं भंडार दिसंबर के महीने में 6 साल के निचले स्तर पर जा पहुंचा है और आने वाले दिनों में कोई नई सप्लाई की फिलहाल संभावना नहीं है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि गेहूं की कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं दिसंबर के लिए सरकारी गोदामों में रखा गया भारतीय गेहूं भंडार 6 साल में सबसे कम हो गया है और इसका कारण है बढ़ती हुई मांग और कम होते स्टॉक की वजह से कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। दरअसल इस महीने की शुरुआत में भंडार में गेहूं का स्टॉक कुल 19 मिलियन टन था, जो 1 दिसंबर 2021 को 37.85 मिलियन टन था। दिसंबर के लिए मौजूदा स्टॉक 2016 के बाद सबसे कम है, जब 2014 और 15 में बैक टू बैक सूखे के कारण जिससे गेहूं का उत्पादन कम हो गया था और इन्वेंट्री गिरकर 16.5 मिलियन टन हो गई थी। वहीं मुंबई की स्थित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नई फसल की सप्लाई 4 महीने बाद शुरू हो जाएगी। कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार का काम हर महीने कठिन हो रहा है। उनका कहना है कि कीमतों को कम करने के लिए सरकार 1 महीने में 2 मिलियन टन से अधिक जारी नहीं कर सकती। बाजार को और अधिक की जरूरत है, क्योंकि किसानों की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है और व्यापारी धीरे धीरे स्टॉक जारी कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में सरकारी भंडार लगभग 2 मिलियन टन कम हो गया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अनाज उत्पादक देश भारत में मई में निर्यात पर प्रतिबंध लागू करने के बावजूद भारत में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है, क्योंकि फसल की पैदावार में अचानक गिरावट आ चुकी है। मई में निर्यात पर प्रतिबंध के बाद से स्थानीय गेहूं की कीमतें लगभग 28% का उछाल दिखा चुकी हैं और वहीं अब दाम भी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को गेहूं के दाम 26,785 रुपये प्रति टन पर रहे। वहीं दिल्ली में भी व्यापारियों का कहना है कि नए सीजन में गेहूं का उत्पादन सामान्य स्तर तक बढ़ जाएगा, लेकिन अप्रैल से नए सीजन की सप्लाई में तेजी आने तक कीमतें ऊंची बनी रहेंगी। कमोडिटी बाजार जानकारों का कहना है कि इस बार पीछे से सप्लाई काफी कम हुई है और सरकार की फ्री राशन योजना भी जारी है, जिसकी वजह से भंडार काफी गिर चुके हैं और कीमतों में तेजी बनी हुई है। बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि जनवरी के महीने में गेहूं की कीमतों में 2,000 रुपये प्रति टन का इजाफा हो सकता है और इसका मतलब है कि गेहूं के दाम 29,000 टन के आसपास पहुंच जाएंगे। वहीं भारतीय किसानों ने 1 अक्टूबर से 25.6 मिलियन हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की है, जब मौजूदा बुआई का मौसम शुरू हुआ था, जो एक साल पहले की तुलना में 25.4% अधिक है। वहीं बाजार जानकारों का कहना है कि मार्च के बाद रिकॉर्ड सप्लाई आने की संभावना है और इसका कारण रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी माना जा रहा है, जिसकी वजह से कीमतें 25,000 प्रति टन तक मार्च के बाद गिर सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कीमतों में तेजी की संभावना बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।